हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं बेहद ही खूबसूरत और इजीली बनने वाली बेबी बूटी। ये देखिए, ये इसका जो साइज़ है ये है 0 to 6 month साइज़ बेबी शू। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में भी बना सकते हैं, बस कुछ फंदे बढ़ाकर। ठीक है, बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, बाकी आपके चेंजेस होंगे फंदे के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में नए नोटिफिकेशंस वीडियोज़ के मिल सके। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए, इस बूटीज़ को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये बेबी वूल ली है दो कलर में, और साथ ही ये नीडल्स हैं 10 number। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर देखिए, मेरा ये जो ये वाला कलर है ये मेरा मेन कलर है और ये मेरा सेकेंडरी कलर है। तो अभी मैं मेन कलर से फंदे डालूँगी। तो देखिए, यार्न को मैंने इस तरीके से पकड़ रखा है और यहाँ पर ये देखिए फंदे डालेंगे। तो अगर आप इस तरीके से फंदे डाल रहे हैं तो देखिए, तो ये देखिए 2, 1, 2, 3, 4, 31, 32, 33, 34। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये टोटल 34 फंदे डाल लिए हैं। तो ये अभी जो ये पैटर्न आपको दिख रहा है इस साइड, ये हमारा राइट साइड है, और ये जो पैटर्न है यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके से करके देखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाउंडेशन रो बनाएंगे। तो उसको देखिए कैसे बनाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम नीडल डालेंगे और यहाँ पर देखिए हम एक रो ये सीधी बुनते हुए बनाएंगे। देखिए ऐसे आगे से नीडल डालेंगे और इस तरीके से हम इसको बुन देंगे। ठीक है, तो लास्ट तक हम इस रो को ऐसे ही नेट वाइज सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए, फाउंडेशन रो हमने बना लिया, अब हम पैटर्न के अपने राइट साइड में हैं। तो देखिए, अब इसको हमें कैसे बुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से सीधा बुनते हुए ही बनाएंगे। देखिए, एक बुना, दूसरा फंदा बुना, ये दोनों बुन लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये इस तरीके से धागा अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ से हम देखिए धागा हमारी तरफ है और यहाँ से अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए, 14 फंदे हमने सीधे मुड़ लिए हैं। ठीक है, फिर धागा आगे लाइए, सेंटर से आप हम ये दो फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाइए, आप यहाँ से हम 14 फंदा फिर बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए, 14 फंदे ये बुने, लास्ट में हमारे पास दो फंदे दिख रहे हैं। तो धागा अपनी तरफ लाइए और इन दोनों को ही हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रोवन कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, रॉन्ग साइड से देखिए हमें कैसे बुनना है। ये देखिए, एक फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा भी सीधा बुना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यार्न ओवर्स आपको दिख रहे हैं इसको हमें कैसे बुनना है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे करके बुनेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जाली क्रिएट करेगी, अदरवाइज़ हम इसको देखिए बैक लूप, ये बैक लूप है उससे बुनेंगे तो यहाँ पर ये जाली बंद हो जाएगी। देखिए, एक फंदा ये सीधे बुन लिया। तो अब देखिए आपको करना क्या है, जो भी यार्न ओवर्स हैं उनको आपको ऐसे ही बुनना है और बाकी के जो बचे हुए फंदे हैं उनको आपको सीधा बनाते हुए ही कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपकी जो भी रॉन्ग साइड रोज़ होंगी, ठीक है, उनको आपको ऐसे ही बुनना है। जब तक हम यार्न ओवर करेंगे तब तक आपको इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए मैं एक बार आपको यार्न ओवर फिर से बता दे रही हूँ कि रॉन्ग साइड में उसको कैसे बनाना है। तो ये देखिए हम लास्ट यार्न ओवर पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए ये जो लूप है इसको आपको इस तरीके से देखिए बैक लूप से सीधा बुन दिया और बाकी के बच्चे फंदे ये दो इनको भी हम यहाँ पर सीधा ही बुन देंगे। तो इस तरीके से अभी हमने अपने पैटर्न की दो लाइन कंप्लीट कर ली हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए राइट साइड अगेन है, हम फिर से देखिए एक फंदा सीधा बुना, दो फंदे सीधे बुने और ये तीसरा फंदा, ये वो फंदा है जो हमने बढ़ाया था। तीन फंदे बुनने के बाद में धागा फिर से अपनी तरफ लाइए। अब यहाँ से हम अगेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं थोड़ा सा ये होल, तो अगर हम इसको उस तरीके से नहीं बुनते बैक लूप से तो ये बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, 14 फंदे ये बुन लिए, धागा अपनी तरफ लाइए। अब यहाँ पर हमें सेंटर में, पहले हमने फर्स्ट रो में दो फंदे बुने थे पर इस बार हम चार फंदे सीधे बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ लाइए। अब यहाँ से हम फिर से 14 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए। लास्ट में आपको तीन फंदे ये जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, धागा हम अपनी तरफ लाएंगे और इन तीनों को हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 और 3। अब देखिए रॉन्ग साइड रो जो कि रो नंबर 4 होगी हमारी, तो उसको हम एज ए रो नंबर जैसे हमने बुना था सेम वैसे ही बुनेंगे। तो जो भी यार्न ओवर्स हैं उनको हम यहाँ पर बैक लूप से बनेंगे। देखिए पहला फंदा हमने सीधा बुना, ये तीन फंदे हम सीधे बुन देंगे। देखिए देखिए फिर से देखिए यार्न ओवर ही आपको दिख रहा है जाली, यहाँ पर इसको बैक लूप से डालकर सीधा बुन दिया और बाकी के बचे हुए फंदे हम सीधे ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आपको बस यही ध्यान रखना है रॉन्ग साइड में कि यार्न ओवर्स जो भी हैं उनको हम बैक लूप से बुनेंगे, ठीक है। या फिर आप किसी और मेथड से एक फंदा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें हर बार फ्रंट साइड से आपको चार फंदे ही इंक्रीज़ करने हैं। तो इंक्रीज़ करने का कोई भी मेथड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अगेन यहाँ पर हमें यार्न ओवर मिला है, ठीक है, जाली बनाने वाला। अब इसको भी देखिए बैक लूप से हम इसको बुनकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राइट साइड रो नंबर 5, देखिए यहाँ पर इस तरीके से निडल डाला। देखिए 1 2 3 4, चार फंदे देखिए सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ लाइए और यहाँ से हम 14 लूप्स जो हैं उनको सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, फिर धागा आगे लाइए। अब हमें यहाँ पर सेंटर में देखिए, पहले हमने रो नंबर 3 में चार बनाए थे, अब हम यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए यार्न ओवर धागा हमारे तरफ है, ये देखिए यहाँ पर, और इसको देखिए 1 2 3 4 5 6। बेसिकली सेंटर में हमारे हर बार में जब भी हम राइट साइड से बुनेंगे दो दो फंदे इंक्रीज़ होते हुए जाएंगे। तो देखिए 6 फंदे हमने ये बुन लिए, यहाँ पर धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से 14 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। ठीक है, ये देखिए 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए। लास्ट में यहाँ पर देखिए 4 फंदे आपको दिख रहे हैं, तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन चारों को भी हम सीधा बुनकर ही कंप्लीट कर देंगे। ऐसे रॉन्ग साइड की रो आपको बुननी है, यार्न ओवर्स को बैक लूप से, बाकी के सभी फंदों को फ्रंट लूप से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए रॉन्ग साइड से हमने ये रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर देखिए 6 लाइन बना लिए, 1 2 3 इधर है और 3 ही हमारे बैक साइड में, और ये जो फाउंडेशन रो है इसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो रो नंबर 6 हमने कंप्लीट कर ली थी रॉन्ग साइड से। ठीक है, रो नंबर 7 देखिए राइट साइड से। ठीक है, 1 2 3 4 5। इस बार देखिए हमने ये 5 फंदे सीधे बुने हैं, धागा अपनी तरफ लाइए। अब अगेन हम यहाँ पर 14 लूप्स फिर से सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये देखिए 14 लूप्स हमने बोले थे। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए 3 2 5 ये फंदे बुने थे, फिर एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया था, फिर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 14 लूप्स बढ़ा लिए हमने, बुन दिए। आप धागा हम अपनी तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए आप सेंटर में देखिए, हम यहाँ पर लास्ट टाइम हमने 6 फंदे हमने बुने थे, अब हम 8 बुनेंगे। धागा अपनी हमारी तरफ है देखिए। ठीक है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 फंदे हमने ये बुन लिए, फिर धागा हम अपनी तरफ लेकर आए हैं। अब यहाँ से हम 14 फंदा फिर बुनेंगे। देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 लूप्स ये हमने बुन दिए और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 5 लूप्स हैं। धागा अपनी तरफ लाइए, इन पांचों को हम फिर से सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा रो नंबर 7। रो नंबर 8 रॉन्ग साइड से हम इसको पूरा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, यार्न ओवर्स को हम बैक लूप से बुनेंगे। देखिए रो नंबर 8 हमने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। रो नंबर 9 राइट साइड। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने इसको नीडल को डाला और देखिए 1 2 3 4 5 6 6 फंदे हमने देखिए ये बुन लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये जो 14 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए 14 फंदे हमने ये बुन लिए, फिर धागा हम अपनी तरफ लेकर आएंगे। तो इस बार हम 10 फंदे बुनेंगे। ठीक है, सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे ये बुन लिए सेंटर में और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे धीरे धीरे, ये देखिए ये जो यहाँ पर ये गैप्स दिख रहे हैं ये वी शा बनाते हुए जा रहे हैं। आप धागा अपनी तरफ लाएंगे और आप यहाँ से हम
14 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, धागा अपनी तरफ लाइए। लास्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास 6 फंदे हैं। ठीक है, तो धागा हमारी तरफ ही है और इसको 1 2 3 4 5 6 तो रो नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है राइट साइड से। रो नंबर 10 हम पूरा रॉन्ग साइड से बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए 10 सलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, पैटर्न के अपने राइट साइड में और यहाँ पर अब हम कलर चेंज करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो आप सेम कलर यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा यार्न कट कर दूँगी। ठीक है, इतना बड़ा देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर इस यार्न में हम गांठ लगाएंगे। ये कट कर लिया यार्न और यहाँ पर हम दूसरा यार्न अटैच कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही कॉर्नर से ही हम इसको अटैच करेंगे। देखिए और इसको लास्ट तक यहाँ पर देखिए ड्रैग कर दिया। ठीक है, एक बार नॉट और लगा देंगे। तो देखिए अभी हम अपने राइट साइड में ही हैं और यार्न अब हम यहाँ पर ये सेकेंडरी यार्न यूज़ करेंगे। तो देखिए पहला फंदा ये हमारा है सीधा होना और बाकी के हम सभी फंदे यहाँ पर सीधे ही बुनेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एज बनाना है। ठीक है, अगर आपको एज नहीं बनाना है तो आप उस पोर्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए और डायरेक्ट आप यहाँ पर सीधा शू शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये सीधा बुनते हुए लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक ही हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है सीधा सीधा। तो यहाँ पर देखिए टोटल मैं नंबर ऑफ़ लूप्स बताना भूल गई, ये टोटल नंबर अब हमारे पास 54 हैं। ठीक है, रॉन्ग साइड टर्न कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है तो ये हमारा रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड टर्न कर लीजिए। यहाँ से हमें ये देखिए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। ठीक है, धागा अपनी तरफ लेकर आइए। अब यहाँ पर हम सभी के सभी फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से पर्ल वाइज, ये देखिए क्योंकि हमें एज बनाना है तो इसलिए हम इसको इस तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी एज की रो नंबर 2 है। तो हमें टोटल रोज एज के लिए जो चाहिए फ्रंट साइड और बैक साइड से मिलाकर टोटल नंबर हम 6 बनाएंगे। ये देखिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। आप 6 रोज इसके बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर ये 6 रोज बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए फ्रंट साइड से ऐसे, बैक साइड से आपको ये इस तरीके से नज़र आएंगी। तो आप देखिए हमें एज बनाना है, तो एज कैसे बनेगी, ये हमने 6 रोज बना लिए, जस्ट इसको आप इस तरीके से पकड़िए और इसको यहाँ पर इस तरीके से आप होल्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एज बना लेते हैं। देखिए हम सेम यार्न यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए एज बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस पर नेडल पर उतार लेंगे और यहाँ पर ये जो दूसरा लूप है नीचे से देखिए, ये हमें ग्रे जिस पे हमने ये फंदा बनाया है ये वाला, ये देखेंगे गांठ लगी है, ये वो वाला फंदा है, इसको इस तरीके से चढ़ाया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इनको दोनों को ही अब यहाँ पर एक साथ 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अगेन देखिए ये फंदा ये रहा, ये वाला हमने यहाँ जो हमारी ये निडल पे हमने इसको यहाँ पर ये स्लिप कर लिया। नीचे से ये देखिए ग्रे वाला सेकेंड लूप, इसको उठाया, इसको इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ाया और यहाँ पे हम इन दोनों को अगेन बुन देंगे और ये वाला यार्न है इसको हम यहीं पे इस तरीके से
बाइंड कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अगेन ये लूप यहाँ से उठाया, आप पहले नीचे वाले लूप को उठाइएगा, ठीक है, और इन दोनों को देखिए हम फिर से इस तरीके से बुन देंगे, वो इजी रहेगा। देखिए फिर से नीचे से ये एक लूप उठाया ग्रे वाला, और इन दोनों को एक साथ बुन दिया, ठीक है। अगेन ये देखिए नीचे से एक लूप उठाया और ये बुन दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक एज फॉर्मेशन होता हुआ जा रहा है। अगेन देखिए नीचे से ये एज एक लूप उठाया, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ बुन दिया। तो ऐसे ही करते हुए हम लास्ट तक इसको बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम ये पूरी एज बनाते हुए गए हैं इस तरह से, और लास्ट में हमने ये ग्रे कलर का यार्न जो था ये इसको हमने कट कर दिया, ये देखिए थोड़ा लंबा, और वहाँ पर हमने ये जो सोल में मैंने कलर लगाया था उसको अटैच किया है, क्योंकि अब हम उसको यूज़ करने वाले हैं। देखिए रॉन्ग साइड, ठीक है, और मेन कलर अब हम ले लेंगे। यहाँ से हम सभी फंदे देखिए उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए राइट साइड, देखिए यहाँ से हम सभी फंदे उल्टे बुनते हुए जाएंगे। और जब हम वापस से आएंगे उसको भी हम उल्टा ही बुनेंगे। तो ये दो रोज़ आपकी होंगी, तो ऐसे ही हमें चार रोज़ और बुनेंगे, मतलब टोटल आगे और पीछे मिलाकर हमें छः लाइंस बनानी होंगी। तो जिसमें कि तीन लाइन हमारी फ्रंट में आएंगी, तीन लाइन हमारी बैक साइड जाएंगी, तो इतना हम बनाएंगे। देखिए इधर से मैं ये उल्टा बुनते हुए जा रही हूँ, वापस से आऊँगी वो भी बनाऊँगी। तो इस तरीके से आगे भी हम दो बार बनाएंगे, पीछे से भी, और तो हम टोटल सिक्स रोज़ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सिक्स लाइंस बनाकर कंप्लीट कर लिए। तो फ्रंट में हमारे पास यहाँ पर थ्री लाइंस देखिए आ गई है, 1 2 3, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देखिए आप फंदे डिवाइड कर लीजिए, 16 फंदे आपके इस तरफ आएंगे, 16 फंदे आपके इधर आएंगे, लेफ्ट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड 16 16, एंड सेंटर में आपके 22 फंदे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर मार्कर नहीं यूज़ किया है, आप यूज़ कर सकते हो डिवाइडेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम 16 फंदे जो हैं उनको हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे, 1 2 16, ठीक है। ये देखिए 16 लूप्स हमने यहाँ पर इसको बुनकर तैयार कर लिए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16। अब देखिए धागा पीछे कीजिए, यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है। तो देखिए जनरली हम मेनली हमको करना क्या है कि यहाँ पे दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, ठीक है, धागा अपनी तरफ लाइए, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे किया, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाइए, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे लाइए, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे लाइए, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, ठीक है, फिर धागा आगे लाइए, दो फंदे उल्टे, देखिए दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। तो मैं यहाँ पर चेक कर ले रही हूँ 16 लूप्स हैं या नहीं, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है 16 लूप्स ये हैं हमारे। अब देखिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको भी हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए राइट साइड का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब जाएंगे रॉन्ग साइड। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो 16 फंदे आपके दिख रहे हैं, ठीक है, उनको तो हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए 2
15 और ये 16। ये देखिए 16 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे यहाँ से सेंटर के ये लूप शुरू हो जाते हैं। तो देखिए मुझे सबसे पहले दो उल्टे दिख रहे हैं, तो इनको मैं उल्टा ही बुनूँगी। धागा पीछे कीजिए, दो फंदे सीधे सेंटर में आपको ऐसे करना है। जो जैसे फंदे आपको दिख रहे हैं उसको आपको उसी तरीके से सेंटर में आपको बुनना है, ठीक है। ये देखिए सेंटर के लूप्स हमने बुन लिए हैं। अब ये जो 16 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए इधर से हमने इसको बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने राइट साइड हैं, राइट साइड में मैं क्या करूँगी, 16 फंदे उल्टे बुनेंगे। सेंटर के फंदे आपको वैसे ही बुनने हैं जो जैसे आपको दिख रहे हैं, अगेन 16 फंदे उल्टे बुनेंगे। उसके बाद में जब आप रॉन्ग साइड आएंगे तब यहाँ पर 16 फंदे ये बुनेंगे, सेंटर के जो जैसे फंदे दिख रहे हैं उसको वो बुनना है। इसके बाद अगेन 16 फंदे उल्टे उल्टे बुनना है दोनों तरफ। तो मींस हम मुझे दो लाइंस और बनानी है, जो लाइंस अभी हमने बनाई हैं सेम टू सेम वही वाली। तो ये देखिए चार सलाइयाँ हमने ये बना ली हैं। अभी हम अपने राइट साइड में हैं, तो आप देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सा ये जो 16 फंदे हैं इनको तो हमें एज इट इज़ बुनना है उल्टा उल्टा। 16 फंदे देखिए तीन मैंने बुन लिए हैं, 4, 15, 16। ये देखिए 16 फंदे हमने बुन लिए। आप धागा कर लीजिए पीछे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास सेंटर में 22 लूप्स हैं, ओके। तो अब हमें इन्हें दो का एक करते हुए बनाना है। तो देखिए ये फंदा ये इस तरीके से था, इसको आप इस तरीके से स्लिप करके ऐसे चढ़ा लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर इन दोनों को अब हम बैक लूप से दो का एक करेंगे। देखिए आगे इस तरीके से ये जो दोनों हैं इनको आप आगे से बैक लूप से दो का एक कर दीजिए। ये देखिए ठीक है। अब ये वाले जो सीधे फंदे हैं उसमें से पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, वापस चढ़ा देंगे और दोनों को मिलाते हुए बैक लूप से हम इसको बुन देंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे ये देखिए तो ये देखिए सेंटर में हमने 2, 4, 6, 8, 10, 11 टाइम्स हमने इसका दो का एक करते हुए बना लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो 16 फंदे हैं इनको एज इट इज़ हमें थ्रेड आगे लाके उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए 3, 4, 16 ठीक है। तो ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब आ जाइए रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से 16 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। देखिए 1, 14, 15, 16 ठीक है। ये 16 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब ये जो सेंटर के फंदे हैं यहाँ पे 11 उनको भी हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है। सेंटर के फंदे भी हमने रॉन्ग साइड से ये उल्टे ही बुन दिए 11। अब ये जो 16 फंदे बचे हैं इनको भी हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये रो हमने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली है। राइट साइड में आइए, ये देखिए पैटर्न आपको कुछ इस तरह से देखिए नज़र आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले 16 जो फंदे हैं 16 लूप्स उनको तो हम उल्टा बुनकर ही पर्ल वाइज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 3, 4, 5, 15 और ये 16
ठीक है, धागा पीछे ले जाइए। तो यहाँ पर ये जो 11 फंदे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इनको भी हम यहाँ पर सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए 1, 2, 11, ठीक है। ये देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरह से आया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद में यहाँ पर ये जो 16 फंदे हैं इनको हमें बुनना है। देखिए धागा आगे लाइए और इन 16 फंदों को भी हम बुन देंगे। ये देखिए लास्ट वाला बुन दिया, ठीक है। तो पैटर्न देखिए ये बन रहा है हमारा, टर्न कर लीजिए। अब यहाँ से 16 फंदे हम ये उल्टे बुनेंगे, ये 11 फंदे सीधे बुनेंगे और ये 16 फंदे यहाँ पर हम उल्टे बुनेंगे। तो इतना बना के ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट रो चेंज होगी तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए राइट साइड यहाँ पर देखिए 16 फंदे हम ये उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 16। तो देखिए ये 16 फंदे तो हमने बुन लिए हैं, धागा पीछे ले जाइए। अब यहाँ से हम इनको ये देखिए 3 का 1 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप 3 का 1 करते हुए इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए 1 बुना 3 का 1 किया, अगेन ये 3 फंदे लिए नेक्स्ट और उनको बैक लूप से ये देखिए, देखिए 2 हो गए 3 का 1, अगेन ये देखिए 3 फंदे ये हो गए 3, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 1, 2 और ये लास्ट में यहाँ से 1 फंदा ले लेंगे जो 16 लूप्स है ना उसमें से। तो ये देखिए ये नीचे, ठीक है। तो ये देखिए हमने 2, 2, 2, 8 फंदे यहाँ सेंटर में कम कर दिए हैं। आप देखिए हमें क्या करना है, धागा आगे लाइए और ये फंदे हम उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 16 सॉरी अब यहाँ पर 15 लूप्स बचे होंगे। तो वो तो देखिए ये आपका इस तरह से बन रहा है। रॉन्ग साइड जाएंगे, ठीक है, इस पूरी ही रो को हम उल्टा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। देखिए रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लिया है, राइट साइड आइए, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डोरी बनाना है। अगर आप डोरी बनाएं तो ये बनाएं, अदरवाइज आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला फंदा ये जो है इसको हमने इस तरह से स्लिप किया, धागा अपनी तरफ ही रखा। अब यहाँ से ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं इन 2 को इस तरीके से 2 का 1 किया, ठीक है, 1। फिर धागा आगे लाइए, फिर ये 2 जो 2 फंदे दिख रहे हैं इन दोनों को फिर से 2 का 1 बुना, फिर धागा आगे लाइए, फिर से इन दोनों को 1 बनाइए, ठीक है, फिर धागा आगे लाइए। इसी तरीके से आप इसको रिपीट करते जाइए लास्ट तक, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, हम लास्ट तक इसको कंप्लीट कर ले। तो देखिए ये हमने यार्न ओवर्स कर लिए, रॉन्ग साइड से आएंगे। देखिए पहला फंदा जो है इसको हम उल्टा बुनेंगे और बाकी ये जो जालियां हैं इन सभी को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इस पूरी ही रो को, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस थ्रेड को कर देंगे कट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑरेंज थ्रेड कट करके नया थ्रेड यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो ये जो पहला फंदा है इसको मैं यहाँ पर ये देखिए स्लिप कर लूँगी और धागा पीछे ले जाकर यहाँ पर मैं 2 फंदे सीधे बुनूँगी। देखिए 1, 2, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं इन दोनों को मैं यहाँ पर उल्टा बुनूँगी, फिर ये 2 फंदे सीधे। बेसिकली हम 2 सीधे 2 उल्टे को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे इस तरीके से,
देखिए लास्ट में ये जो दो फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया रॉन्ग साइड से। यहाँ पर जो फंदे आपको जैसे दिखे आपको वैसे ही बना देना है। तो जैसे कि ये देखिए दो मुझे उल्टे दिख रहे हैं, दो उल्टे बुन दिए और ये दो सीधे। ठीक है, ऐसे ही कंप्लीट करते करते हम आगे और पीछे से दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे। जब तक आप बनाना चाहें तब तक आप बनाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अराउंड 2 इंच तक इसका बॉर्डर बनूंगी। तो देखिए ये मैंने इतना ही बनाया है। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो पहला फंदा ये है, इसको स्लिप रखेंगे धागा पीछे करके। ये देखिए सीधा बनाया। अगर आप बड़ी निडल से बनाएंगे तो ऊपर आपका ये लूज़ लूज़ रहेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर ये थोड़ा सा लूज़ लूज़ ही बाइंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। एक बनाया, एक उसके ऊपर से उतार दिया, ये देखिए ऐसे। देखिए हमने पूरा बाइंड ऑफ कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा थ्रेड काट देंगे। और इसको यहाँ पर इस तरीके से निकाल दीजिए। ठीक है, और अब हम इसको सिलेंगे। देखिए देखिए इसको सिलना कैसे है। ये हमारा राइट साइड है, ठीक है, और ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, राइट साइड फेसिंग ऊपर ही रखेंगे राइट साइड से। और इसे ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ऐसे एक दो बार इसको यहाँ पर इस तरीके से हम टक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे इसको सिलते रहेंगे। तो देखिए ये ग्रे पोर्शन मैं ग्रे कलर से सिलूंगी। और साथ ही यहाँ पे देखिए ये जो कलर है ऑरेंज वाला, आप उस ऑरेंज से सिलिए। जो जो कलर जहाँ पर यूज़ हुआ है हम उसको उसी तरीके से सिलते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सिलकर तैयार हो गया है। नीचे से देखिए इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए डोरी बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इस तरीके से आप शो को रखिए बैक साइड और थोड़ा सा यार्न आप इस तरीके से रखेंगे। देखिए ये इस तरीके से आ जाए, करीब 1.5 ब्लस एक तरफ से, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और इसको यहाँ पर आप छोड़िए और यहाँ पे इसको ऐसे डबल करिए और एक बार और डबल कीजिए। ठीक है, कट कर लीजिए। यहाँ पर हम लगाएंगे गांठ। ये देखिए गांठ लगा ली। अब ये एक तरफ इधर और एक तरफ ये वाला कोना, दोनों ही सिरों में फिंगर्स को फंसा के आप इसको ट्विस्ट करिए। इस तरीके से ट्विस्ट करते जाइए करते जाइए, खूब अच्छे से ट्विस्ट हो जाए, इसके बाद में हम इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको इतना ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे हम, एकदम पतला सा हो जाए। आप देखिए इसको ऐसे, ये इन दोनों ही साइड के सिरों को हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे ऐसे। तो देखिए ये डोरी हमारी ऐसी बनकर तैयार हो जाएगी और दोनों ही किनारों पे हम काट लगा देंगे। इधर भी लगा दीजिए, इधर हम बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ पर इसको इस तरीके से डाल लेंगे, ये जो होल्स हैं ऐसे।
तो ये देखिए हमारा शूज़ बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और बताने का तरीका, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में भी नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।